अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन ग्रेवी। ये हमने 1 kg चिकन लिया है, यानी 1 किलो चिकन। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके ले लिया है इसको हमने। और इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे हम आपको बताते हैं। हमने 200 ग्राम दही ली है और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी की लकड़ी, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेजपत्ता और बादियान। ये मसाले हम इसमें डालेंगे। और हमने लिया है बादाम और काजू, और हमने 5 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 6-7 हरी मिर्ची, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। चलिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। दही को दही हमने 200 ग्राम ले ली है। अब उसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये चिकन को हम इसमें डाल देंगे। चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और मैरिनेट करके इसको 1/2 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने एक छोटी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे तेल। प्याज को नरम कर लेंगे। उल्टा पलटी करते आएंगे। धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से
पका लेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। प्याज को हमने नरम कर लिया है, इसका कच्चापन बिल्कुल निकल गया है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम, 10-15 बादाम है इसमें, और इसमें हम काजू की मात्रा ज़्यादा लेंगे, इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। 15-20 काजू लिए हमने। अब इसको हम 1 कप पानी डालकर अच्छे से पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। एक कप पानी डालेंगे। इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे 7 मिनट तक। उसके बाद फिर इसको ठंडा कर पीसेंगे, यानी पेस्ट बनाएंगे इसका। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च पेस्ट बनाने के टाइम। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, उसको भी अच्छे से पका लेंगे। इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके इसको ठंडा कर पेस्ट बना लेंगे। कांदा हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसको गैस को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसका ठंडा करके पेस्ट बना लेते हैं। कांदे को हमने गैस पे से उतार लिया है, कांदा हमारा पक गया है, ठंडा हो रहा है। अब इसको ठंडा करके हम पेस्ट बनाएंगे। हमने कढ़ाई रख दी है, नॉनस्टिक कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच तेल, चिकन को हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा हो गया है, तेल हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की लकड़ी, 2-3 तेज पत्ते, 4-5 हरी इलायची और 4-5 लौंग और 1 बादियां। जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है उसको इसमें इस तरह से पिसाते जाएंगे।
तरफ से हो जाएगा, उसको पलटी करके दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। इस तरफ से हो गया है तो पलटी कर लेते हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इससे ग्रेवी में सोंधापन आता है और खाने में भी टेस्टी होता है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। हमने पलटी कर दिया है इस तरह से, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर कर इसको पका लेंगे। क्योंकि हमारा चिकन ज़्यादा है इसके लिए इसको हम पका कर निकाल कर फिर दूसरा जो है वो डालेंगे। ठंडा हो गया है, इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम हरी मिर्ची डालकर इसके साथ में पेस्ट बना लेते हैं, फिर इसको हम ये पकने के बाद इसमें हम डालेंगे। चिकन हमारा हो गया अच्छे से, अब इसको हम निकाल लेते हैं, ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। चिकन हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया, चलो इसमें जो हमने और चिकन पहले से फ्राई किया था इसको भी डाल देते हैं। इसमें ब्राउन किया था, अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मैरिनेट किया था वो मसाला। तो धीमा कर देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें हम डालेंगे जो कांदे को हमने पकाया था और काजू बादाम हरी मिर्ची उसका पेस्ट है ये। इसी से हमारी ग्रेवी तैयार होगी। इसमें थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे, उसको चला देंगे। दस मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पका लेंगे। हमने पेस्ट डाल दिया है कांदा और बादाम काजू का हरी मिर्ची का, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे धीमी आंच पे।
ताकि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए पका लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर और ही अच्छा हो जाएगा, इसमें खुशबू भी और अच्छी आ जाएगी। कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर डाल देंगे। इसको चला देंगे अच्छे से ताकि कस्तूरी मेथी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए इसके अंदर, चिकन के अंदर। देखिए कितनी थिक बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं, इसको सर्व करते हैं। वाइट चिकन ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है, हमने सर्व कर दिया है। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आपको। मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और इसी तरह आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आगे तक जाऊँगी और नई नई रेसिपी लेकर मैं आपके सामने आते रहूँगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। व्हाइट चिकन ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है, हमने सर्व कर दिया है। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्टी, झटपट बन जाती है। मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए।